महिला सशक्तिकरण की जब बात की जाती है, सारी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जब इलेक्शन के लिए मैंडेट देने की बारी आती है तो कोई भी आगे नहीं आता। हम बड़ी बड़ी सत्तारूढ़ पार्टियों की भी बात करेंगे, जब महिलाओं की भागीदारी देखी जाती है 15% या 16% होती है, उसी में से भी 50% वो महिलाएं होती हैं जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड से जुड़ी हैं। ऐसे में एक आम महिला कहां जाए? नेशनल वामी यूनाइटेड पार्टी ने शिखा बंदराल को टिकट देके जम्मू संभाग में इतिहास रचा है और जम्मू रियासी से लड़ने वाली ये पहली ऐसी महिला होने वाली है जो सबसे युवा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समय शिखा बंदराल मौजूद है। शिखा जी, आपने इस समय इलेक्शन लड़ने का पूरा मन बनाया है, क्या कारण रहे हैं आपके? इलेक्शन लड़ने का मेरा पहला जो कारण रहा वो यही रहा कि महिला सशक्तिकरण जो है वो बुनियादी तौर पे पूरे तरीके से सफल किया जाए। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने जो मुझे ये मौका दिया है, अपने पार्टी की तरफ से मुझे मैंडेट देके बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझ पर डाली है महिलाओं को लेके जिम्मेवारी ये है कि महिलाओं को जो कम आंका गया है, महिलाओं को जो उनके हक है वो सही तौर पे जो नहीं मिले हैं आज तक, उन हकों के लिए हम काम करें। उन हकों के लिए मैं अगर आगे आज आई हूँ तो उन्हीं के लिए आई हूँ और उनके लिए हम काम करना। आपका कहने का मतलब ये है कि एक महिला का दर्द एक महिला से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जी बिल्कुल जी, आपकी बात को हम मान रहे हैं। तो इस इलेक्शन में आपका क्या मैनिफेस्टो रहने वाला है? इस इलेक्शन में हमारा मैनिफेस्टो यही रहेगा कि पहले तो हर महिला के हक की बात होगी। महिला सशक्तिकरण पूर्ण रूप से तभी हो सकता है जब महिलाएं अपने हाथ जो उनके होंगे वो सीधे रहेंगे। सीधे हाथ का मतलब यही है, वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, क्योंकि हमारे जम्मू में आज भी महिलाएं जो है वो डिपेंडेंट है अपने पिता पे, अपने पति पे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टी है वो महिलाओं को सशक्त करने की जो मुहिम है उसे सफल इसी रूप में बनाना चाहती है कि हम महिलाओं को उनको आत्मनिर्भर बनाएं। जब वो आत्मनिर्भर होंगी तो सीधी सी बात है कि जम्मू जो है वो तरक्की करेगा। जी, आपका इस इलेक्शन में मैनिफेस्टो क्या क्या होने वाला है, किन मुद्दों पे काम करेंगे आप? इन इलेक्शंस में हमारा मैनिफेस्टो रहेगा, पहली बात रहेगी महिलाओं के हक की, दूसरी बात रहेगी हमारी डुग्गर सैटेलाइट चैनल की हक की जो बात रहेगी वो रहेगी। सीधा सीधा हमारे जो जम्मू के आर्टिस्ट हैं, जो इतना हुनर है हमारे जम्मू में, वो प्रत्याशी रूप से जो बाहर लोगों को पता चलना चाहिए कि जम्मू का जो कल्चर है, जम्मू की जो लैंग्वेज है, डुग्गर लैंग्वेज है, डोगरा लैंग्वेज है, वो क्या है। जब तक हमें एक अपना डुग्गर सैटेलाइट चैनल नहीं मिलेगा तब तक ये जो हमारा कल्चर है वो बाहर अलग स्टेट्स में लोगों को नहीं पता चलेगा, ये रहेगा। तीसरी चीज हमारी ये रहेगी कि जितने भी हमारे गरीब समाज के बच्चे हैं, गरीब जनता है, उनके जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की फीसें नहीं दे पाते हैं, महंगाई इतनी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के सपने तो देखते हैं लेकिन उनके सपने जो है वो साकार नहीं हो पाते। इसलिए हम उनके लिए ये मुहिम रखना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं जम्मू में, वो स्कूल्स जितने गरीब परिवार के बच्चे हैं 25% उन बच्चों को वो अपने स्कूल्स में दाखिला दे विदाउट फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी एफिलिएशन जो है वो कैंसिल हो जाए। और साथ ही साथ हम सरकारी स्कूल का जो ढांचा है उसे ठीक करने के लिए और उसे सही मायने में एक पढ़ने लायक जगह, बच्चों का भविष्य जहां से निकलेगा उसे बनाने के लिए हम उनके ऊपर पूरे तरीके से काम करेंगे। शिखा जी, यहां बात पे आपको मैं टोकना चाहता हूं। जैसे कि आपने बात की कि 25% आप इस तरह से कोटा सिस्टम करोगे कि प्राइवेट स्कूल वाले गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, सबसे पहली चीज है कि प्राइवेट स्कूल वाला जो बिजनेस के लिए अपना स्कूल चला रहा है वो क्यों पढ़ाएगा? और इसी के साथ दूसरा ये है कि अगर आप सरकारी स्कूल ही इतने बेहतर बना देते हो, जैसे दिल्ली में भी बात की जाती है, तो एक गरीब बंदा प्राइवेट में जाने की सोचेगा ही क्यों? देखिए, सरकारी स्कूल्स की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि सरकारी स्कूल्स का ढांचा जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक ही हम अपील रखेंगे कि 25% हो, लेकिन हम पूरे तरीके से यही चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में ये एक कोटा होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स की शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकारी है। तो साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें पूरे तरीके से एजुकेशन मिले और एजुकेशन सिस्टम ये उसमें ये मापदंड ना हो कि फीस की वजह से उनकी एजुकेशन जो है वो रह गई है पीछे। जी, तो अगर सरकारी स्कूल ही इतने अच्छे हो जाएं
तो एक व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में जाने की सोचेगा ही जी। बिल्कुल, सरकारी स्कूल्स के लिए तो हम काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर भी शिकंजा कसना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में जो ये लूट है, जो फीसों की लूट है, वो इसी वजह से है कि सरकारी स्कूल जो है उनकी हालत खस्ता है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकारी स्कूल्स का ढांचा तो ठीक होगा, लेकिन जो 25% कोटा है वो जरूर प्राइवेट स्कूल्स में भी रखा जाएगा बच्चों के लिए। आप डोगराओं के फेवर को लेके इस समय इलेक्शन लड़ रही हैं। पुरानी पार्टीज की बात करें, सभी ने कश्मीर को फेवर किया है। 2014 के बाद लोगों ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और कुछ ना कुछ जम्मू के लिए खास करेगी, लेकिन जितनी भी सारी चीजें हैं, आज आके फिर से कश्मीर में, थोड़े दिन पहले मोदी जी आए थे, मोदी ने भी कश्मीर में जाके कहा कि मैं आप लोगों के दिल जीतने आया हूं। क्या लगता है कि ये जो पार्टी है ये भी कश्मीर सेंट्रिक है, ये भी कश्मीर का फेवर कर रही है, और इनमें क्या कमियां रहेगी कि आप ऐसा कुछ करोगे कि डोगराओं का फेवर हो सके? देखिए, मैं आपकी बात से यही कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पिछले दिनों यहाँ पे अपनी विजिट दी है जम्मू कश्मीर में, उनके क्या मुद्दे मसले रहे उनकी बात जो है वो अलग है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी बात है वो बात ये है कि हमेशा जब भी टूरिज्म की बात की गई है तो हमेशा कश्मीर को फेवर किया गया है। जम्मू में भी इतने अच्छे अच्छे इलाके हैं जिन्हें टूरिज्म डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन उन इलाकों को नजरअंदाज किया गया। हमेशा हमने ये देखा है कि हर सरकार ने जम्मू को हमेशा पीछे रखा है कश्मीर के मुकाबले पीछे रखने का यही एक कह सकते हैं बात है कि जितने नेतागण हैं उनका सारा का सारा जो फोकस है वो कश्मीर के लोगों के लिए है, कश्मीर के लिए है। तो जम्मू के लोग जो हैं वो कहां जाएंगे? अगर सिर्फ एक जम्मू कश्मीर एक पूरी एक यूटी है, अलग है, पूरा एक उनका हिस्सा है। जम्मू जितना मायने रखता है उतना ही कश्मीर मायने रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कश्मीर को ज्यादा महत्व दी है जम्मू से ज्यादा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार में हम जम्मू में डेवलपमेंट जो टूरिज्म की है वो करवाएंगे, और साथ ही साथ जम्मू में इतने सुंदर सुंदर इलाके हैं, रियासी ले लीजिए आप, सुंदरबनी ले लीजिए, जम्मू ले लीजिए, यहां पे अगर टूरिज्म डेवलपमेंट होगी तो जो टूरिज्म जनरेट होता है वहां से, कश्मीर से, वही टूरिज्म जम्मू से भी जनरेट हो सकता है, तो हम उसके लिए भी यहां पे काम करेंगे। इस इलेक्शन में आपका क्या सिंबल रहने वाला है? इस इलेक्शन में हमारा सिंबल रहेगा हीरा, डायमंड। तो हमारे यही लोगों से अपील है कि हीरे को जिताइए, हीरे का बटन दबाइए, ताकि आपके जो मसले मिसाइल हल करने के लिए, मैं आज आपकी दावेदारी करना चाहती हूं, तो मुझे ये मौका दीजिए कि मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और साथ ही साथ जो हमारा जम्मू कश्मीर है, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन आज ये ही मंदिरों का शहर जो है जगह जगह पर नशे की बढ़ते हुए हमलों से परेशान है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाए और मंदिरों की शहर जो हमारी आइडेंटिटी है उसे पुनः स्थापित करें। साथ ही साथ डोगरा सर्टिफिकेट की जो हमने बात की थी, जो पिछले दिनों मैंने अपने नॉमिनेशन में भी कहा था कि डोगरा सर्टिफिकेट जो है वो हमारा मूल हक है। वो मूल हक इसलिए है कि हम डोगरा हैं, हमारी डोगरा अपनी स्पेशल आइडेंटिटी है, और हम इसी के लिए काम करेंगे। और डुग्गर युग की बात जो है वो डुग्गर युग अब स्थापित होगा, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं जम्मू को जो है वो पीछे आंका है हमेशा। अब महिला है, बहुत सारी महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपने बात भी कही, जिस समय आपने बात की होगी कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ, घर वालों का या रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? देखिए, इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ, जब मैंने अपने घर पे बात की थी तो पहले तो मेरे घर वाले थोड़ा घबरा गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली महिला है जो इलेक्शन एमपी इलेक्शंस के लिए खड़ी होने जा रही हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक है उनके अंदर कि अपने बच्चे की फिक्र है उन्हें। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम घर से निकल गए, जब हमने ये मुहिम स्टार्ट की, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी को मैंने 2019 में ज्वाइन किया था, 2019 से मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ, जब मैंने यहाँ पे देखा कि हमारी पार्टी में बदलाव की लहर है, हमारी पार्टी बदलाव करना चाहती है, लोगों की जो हालत है उसे सुधारना चाहती है, लोगों की हालत सुधारने के लिए अगर मुहिम शुरू की है तो फिर सबसे बड़ी बात है घर से कदम बाहर है तो घर वालों का समर्थन साथ ही साथ मिल जाता है। इस बार क्या आप पुराने चेहरों को वोट दोगे, या वो महिला जो आपकी आवाज को आगे उठाना चाहती है आप उसको वोट दोगे? ये आपकी राय होगी, और जो आपकी राय होगी वो वोट में भी पता चलेगी, और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट होगी स्टेट समाचार के माध्यम से हम आपके सामने साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत है।